फाइनेंस थे ईयर के जून 2020 की, तो वो 23 को निकले वहाँ से। तो 23 को निकलने के बाद जब डिस्टेंस है वहाँ से हमारी सिटी से कीव तक का डिस्टेंस 600 किलोमीटर जा रहा है, हमारे सामने एक ट्रेजेडी हुई थी ऐसी। जब हम बॉर्डर पे खड़े थे तो वो जो ऐसा होता है ना, यूक्रेनियन बॉर्डर है और आगे जाके रशियन बॉर्डर है। अब यूक्रेन, पहले हमें यूक्रेनियन बॉर्डर क्रॉस करना है, वो यूक्रेनियन बॉर्डर पे उन्होंने गेट क्लोज किया हुआ है, वो ज्यादातर यूक्रेनियन लोगों को पहले एंटर करा रहे हैं। नहीं, हमारे साथ ऐसा हुआ नहीं कोई रशियन आया हो। वैसे हमने अपनी गाड़ी जो बसेस थी उनमें नेशनल फ्लैग लगाया हुआ था, लेकिन ऑपरेशन गंगा रोमानिया से दूसरी कंट्री से स्टार्ट हो रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि वो ऑपरेशन यूक्रेन के अंदर से स्टार्ट हो, ताकि बच्चा बॉर्डर तक पहुंचे और बॉर्डर से इंडियन लोगों की अलग ही लाइन बने, कि वहां पर एम्बेसी के लोग हों और अपने जो इंडियन लोग हैं उनको अलग ग्रुप बना करके वहां से निकाला जाए। अब वहां से वहां पर इंडियन भी हैं, अफ्रीकन लोग भी हैं, नाइजीरियंस वगैरह और अरब कंट्री के लोग भी हैं, इजिप्शियन वगैरह, वो भी सभी इवैक्यूएट हो ऑपरेशन गंगा चला रहे हैं। लेकिन वहां पर उस टाइम हमारे जब हम थे वहां पर कोई इंडियन एम्बेसी का कोई बंदा नहीं था, कोई भी मेंबर नहीं था, तो एक एक करके वो अंदर ले जा रहे थे। अब बच्चे परेशान हैं, इतने देर से दो तीन दिन हो गए हैं कि किस तरह स्टे किया जाए उनका, तो उसका टेम्परेचर है। तो बच्चों ने क्या किया, जबरदस्ती गेट पुश करके अंदर जाना शुरू किया, उसमें लड़कियां भी पुश करके जा रही हैं, लड़के भी जा रहे हैं। अब जैसे ही अंदर पहुंच गए तो जबरदस्ती उन्होंने, जो आर्मी है तो मार्शल लॉ लगा हुआ है वहां पर, तो उसने उन्होंने बच्चों को बाहर फेंका, लड़कियों को भी पीटा। वो हमने वीडियो बनाया, वीडियो है वो, जो सब अब जगह सब वायरल हो गई है, तो उन्होंने पीटा भी उनको बाहर निकालने के लिए। तो जब वहां से आप चले होंगे तो एक तरह दहशत का माहौल आपके मन में रहा होगा, तो किस तरह से रहा है दहशत, क्या क्या सोच रहे थे आप उस समय? उस टाइम बस यही सोच रहे थे किसी तरह हमारा खुदा, हमारा अल्लाह हमें किसी तरीके से बॉर्डर के नजदीक पहुंचा दे, क्योंकि सिटी के अंदर तो रहना बहुत ही डेंजरस हो रहा था। सरकार के द्वारा लगा के वहां से गाड़ी आ रही है, तो क्या लाभ? तो इधर दूसरी कंट्री से तो बहुत अच्छा उन्होंने काम किया हुआ है ऑपरेशन गंगा का, लेकिन यूक्रेन के अंदर इवैक्यूएशन नहीं हो पा रहा है, बच्चे खुद बर खुद एक्सपेंसेस करके जा रहे हैं। अगर एक सिस्टमेटिक वे बनाया जाए कि इस सिटी से इतने बच्चे जाएंगे बॉर्डर पर, और एक ही बॉर्डर पर लोग जब सारे के सारे एक ही बॉर्डर पर पहुंच जाएंगे तो रश तो ज़्यादा होना ही होना है। अब चार बॉर्डर हैं, पोलैंड बॉर्डर है, स्लोवाकिया है, हंगरी है और ये रोमानिया है। अब इन चारों पे अगर थोड़े थोड़े डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएं तो उसमें फिर इजीली रहेगा कि अगर बच्चों को इवैक्यूएट करना। तो घर से घर पे आए हैं तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत सारे बच्चों को तो खुशी महसूस हो रही होगी, लेकिन मेरा कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरे दोस्त जो जितने भी वहाँ इंडियन हैं वो सारे मेरे भाई और बहन ही हैं, तो मुझे कोई खुशी महसूस नहीं हो रही है कि मैं अपने घर आ गया हूँ, क्योंकि अभी तक हर एक बच्चा नहीं अपने घर पहुँचा है, और जब तक एक भी बच्चा रह जाएगा तो मुझे तो कोई खुशी महसूस नहीं होगी, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी और हमारे गवर्नमेंट की है। जी, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद आज़म खान है। कहाँ के रहने वाले? मैं यूपी में सहारनपुर का रहने वाला हूँ। अभी आप यूक्रेन और रूस में जो युद्ध चल रहा है, यूक्रेन से आप आए हैं, वहाँ पर की पढ़ाई कर रहे थे, तो किस तरीके का माहौल रहा और किस तरह से सहारनपुर पहुँचे? यूक्रेन का माहौल जैसे न्यूज़ चैनल भी दिखा रहे हैं लगभग वैसा ही था, कोई न्यूज़ चैनल झूठ नहीं बोल रहा था कि कुछ भी हो सकता है। उस टाइम हमारी सिटी वैसे बॉर्डर से काफ़ी दूर है, रशिया के बॉर्डर से, हम वहाँ पर वो सेफेस्ट सिटी मानी जाती थी, हमारे टीचर्स भी यही बोलते थे कि अभी ये सेफेस्ट सिटी है, वैसे यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है नहीं होगी। लेकिन तब 23 फेब को सुबह में जब हम उठे तो वहाँ पर ब्लास्ट हुआ, इवानों में ही हमारी सिटी में वो एयरपोर्ट उन्होंने ब्लास्ट कर दिया, तो तब से वहाँ पर दहशत का माहौल हो गया। जो सिटी सबसे सेफ मानी जाती थी उसमें भी ब्लास्ट हुआ है, तो आप समझ सकते हो हमारे से लगभग 10-12 किलोमीटर दूर होगा एयरपोर्ट, तो वहाँ पर ब्लास्ट हुआ था, तो हम घबरा गए थे सभी। वहाँ से किस तरह चले आप, कितने युवक वहाँ से चले और किस तरह सहारनपुर पहुँचे? हमने खुद ही अपने एक्सपेंसेस पर टैक्सी बुक की, 6 टैक्सी, हमने एक बस और 5 टैक्सी बुक की थी, तो वहाँ से हमने सफ़र तय किया था। लगभग हम 150 से 200 लोग थे छः गाड़ियों के अंदर, तो फिर हमने वहाँ से 180 किलोमीटर का सफ़र तय किया बाय ट्रांसपोर्ट। फिर उसके बाद उन बसेस ने, टैक्सी ने हमें 15 किलोमीटर पहले बॉर्डर से रोक दिया था, क्योंकि ट्रैफिक इतना था कि बस जा नहीं सकती थी। तो
तो हमने वहाँ से फिर पैदल का सफ़र तय किया 12 से 15 किलोमीटर अपने लगेज के साथ, जैसे तैसे करके हम कुछ घंटों बाद शाम तक हम वहाँ पहुँचे। बॉर्डर की अगर बात करें तो बॉर्डर पर दिखाया जा रहा है कि रशियन जो है उसके जो सैनिक हैं वो महिलाओं को मार रहे हैं, लड़कों को मार रहे हैं, क्या इस तरीके का माहौल देखा आपने? नहीं, वहाँ पर है रशियन तो नहीं है, यूक्रेनियन है, यूक्रेनियन बॉर्डर है, फिर रोमानिया बॉर्डर है। अभी पहले ही रोमानियन बॉर्डर में एंटर करने के लिए हमें यूक्रेनियन बॉर्डर क्रॉस करना पड़ेगा। अब वहाँ पर मार्शल लॉ भी लगा हुआ है, तो इतने जब हम पहुँचे वहाँ पर तो लगभग मेरे हम पहुँचे तो 1000 लोग थे, 1000 स्टूडेंट्स थे, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग थे। तो उस भीड़ से बाहर निकलना, बॉर्डर को क्रॉस करना एक खुद में ही एक कॉम्पिटिशन था, एक स्ट्रगल था। तो किसी तरीके से हम 8-10 घंटे खड़े रहे वहाँ पर लाइन में, तो किसी तरीके से बस धक्का मुक्की जैसे भी करके रश से उसे क्रॉस करने के बाद हम यूक्रेनियन बॉर्डर क्रॉस किया, फिर हमने रशियन बॉर्डर में एंट्री की, रोमानियन बॉर्डर में एंट्री की। अच्छा, ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है सरकार की तरफ से, तो उसका क्या लाभ मिल रहा है वहाँ पर जो भारतीय? लाभ तो इधर दूसरी कंट्री से तो बहुत अच्छा उन्होंने काम किया हुआ है।